सब टीवी के शो धर्म योद्धा गरुड़ के पहले प्रोमो को आए 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शो को लॉन्च नहीं किया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शो कब आने वाला है और शो के बारे में अब तक की पूरी जानकारी। धर्म योद्धा गरुड़ सीरियल कोंटिलो इंटरटेनमेंट का है। कोंटिलो इंटरटेनमेंट एक जाना माना प्रोडक्शन हाउस है, जिसके इससे पहले विघ्नहर्ता गणेश और संकटमोचन महाबली हनुमान जैसे पौराणिक शोज आ चुके हैं, तो इसका सोनी टीवी का सीरियल बालकृष्ण भी आ रहा है। शो का पहला प्रोमो लॉन्च होने के बाद शो की लॉन्च डेट आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब शो लॉन्च किया जाने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि शो नवंबर में भी लॉन्च नहीं होगा। इन दिनों शो की तैयारियां चल रही हैं और शो के लिए काफी इफेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। शो का सेकंड प्रोमो नवंबर में लॉन्च होगा, लेकिन यह शो दिसंबर में आने वाला है। शो की अभी ऑफिशियली डेट्स कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ऐसा मेकर्स का ही कहना है कि यह शो दिसंबर में लॉन्च होगा। बात करें शो धर्म योद्धा गरुड़ की, तो इसके लिए अभी ज्यादा कास्टिंग नहीं हुई है। इसके लिए महज 2 ही स्टार्स को चुना गया है। शो में गरुड़ का लीड रोल करते नजर आएंगे एक्टर निर्भय वधवा, जो कि एक जाने माने पौराणिक एक्टर हैं। तो वहीं शो में गरुड़ की माता विनीता का रोल करने के लिए पहले एक्ट्रेस बरखा बीट सेन गुप्ता को अप्रोच किया गया था, लेकिन अब शो के लिए एक्ट्रेस पारुल चौहान को सिलेक्ट किया गया है। अब शो में जानी मानी एक्ट्रेस पारुल चौहान माता विनीता की भूमिका में नजर आएंगी। शो में गरुड़ की माता विनीता का रोल भी काफी अहम होगा। क्या है गरुड़ की कहानी? गरुड़ की कहानी कुछ इस प्रकार है। कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या विनीता से हुआ। विनीता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण सूर्य के रथ के सारथी बने, तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। गरुड़ के जन्म का लक्ष्य अपनी माँ के स्वाभिमान की रक्षा करना ही था। इन्होंने ही अपनी माँ को अरुण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त किया था। तो वहीं शो में गरुड़ और कालिया नाग की कहानी भी एक अहम भूमिका निभाएगी। धर्म योद्धा गरुड़ सीरियल में गरुड़ की माता विनीता, गरुड़ के पिता कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी कद्रु, तो वहीं गरुड़ के भाई अरुण और भगवान विष्णु जैसे कुछ किरदार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यानी इन किरदारों के लिए मेकर्स बड़े एक्टर्स की तलाश में है। अब देखना यह होगा कि इन सब के किरदार पर्दे पर कौन उतारता नजर आएगा। आप धर्म योद्धा गरुड़ सीरियल को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।